नमस्कार, मेरा नाम ऋतु रतवाल है और आप हैं अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेटा, अपने शुरू कर दिया है। पाइसिस आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट कुछ पार्ट पाइसिस का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और मेनली साइक्लोस्टोमेटा आज शुरू करके ख़त्म कर देंगे हम। अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो, जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट के लिए चैनल है, तो यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स की। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत वंडरफुल वीडियोज़ यहाँ पर रोज़ आती हैं, और इनकी नोटिफिकेशन ना मिस हो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करना आजकल सभी को ही आता है, सो गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड दिस ऐप। जैसे ये लिंक डालोगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाओगे, सारा नोटिफिकेशंस वहाँ पे ही मिलता रहेगा, प्लस साथ साथ टीचर्स का छोटा छोटा क्लिप रहता है वहाँ पे, जहाँ पे हम आप लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, तो उससे आप लोग हमारी फैमिली से जुड़ जाएंगे। अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें पता है अनअकैडमी प्लस के बारे में, पर जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल यूट्यूब की तरह, पर यूट्यूब के कंपैरिजन में वहाँ पर 40 से अधिक इंडिया का बेस्ट एजुकेटर इस वक्त टीच कर रहा है नीट के लिए। 40 टीचर्स टीचिंग फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सभी के सभी अपना कोर्स वहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं भी अपना पूरा प्लस वन और प्लस टू का जूलॉजी और बॉटनी का कोर्स वहाँ पे पढ़ाती हूँ, कंप्लीट कराती हूँ, और साथ में लर्न कराती हूँ, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी मेरा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, अगर आप अनअकैडमी प्लस के मेंबर नहीं हैं तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, आज मतलब एक दो दिन के अंदर ले लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। क्रैश कोर्स में मैं 4 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, जूलॉजी बॉटनी प्लस वन और प्लस टू का, साथ में आपको सब कुछ लर्न करा दूंगी मैं एक एक चीज़, ओके एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे वहाँ पे। सो ये आपको ज्वाइन करना कैसे है अनअकैडमी प्लस? अच्छा, अनअकैडमी प्लस का एक ही सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए होता है सभी के सभी एजुकेटर्स से पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, या मेरा अलग और आनंद सर का अलग, ऐसे कोई सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को सबकी क्लासेस मिलेंगी, सबकी क्लासेस मिलेंगी, सबकी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सबका जो भी क्विज है सब कुछ मिलेगा, ठीक है? वो आपको लेना कैसे है, देखो, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यू विल गो टू इंस्टॉल। ये ऐप इंस्टॉल हो गया, फ्रंट पेज ओपन होगा, देन आप प्लस पे चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको प्लस लेना है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर प्लस में आपको क्या चाहिए, नीट एंड एम्स का सेक्शन चाहिए ना, बड़े सारे सेक्शन होंगे वहाँ पे। सो यू क्लिक ऑन नीट एंड एम्स एंड यू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे पहुंच गए। अभी कितने समय का चाहिए तुम्हें, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, ये डिसाइड करते, ये बात डिसाइड करेगी कि तुम लोग अभी कहाँ पे हो। अगर तुमने अभी 2020 वाला पेपर देना है, ठीक है, मतलब अभी जिसमें 5 महीने रह गए हैं, तो तुम ये 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लोगे, यदि तुम 2020 का नीट अटेम्प्ट देना चाहते हो तो। 6 महीने से भी कम बचा अब तो। यदि तुम अभी तुम प्लस वन से प्लस टू में जा रहे हो, मतलब पूरा प्लस टू का साल है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, 1 साल है, अभी तुम प्लस वन से प्लस टू में मूव कर रहे हो तो तुम 1 ईयर कोर्स लोगे। यदि तुम अभी 10th में हो और 11वीं में जा रहे हो, 11th में जा रहे हो, तो ये 2 ईयर्स वाला कोर्स लोगे, ठीक है। 6 मंथ्स का फीस रहेगा 24,000 रुपीज़, 1 ईयर का फीस रहेगा 30,000 और 2 ईयर्स का रहेगा 48,000। अभी ये फीस तुम लोगों को वैसे ऑफलाइन के कंपैरिजन में तो कम लगेगी, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत सारे डर होते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें, आप लोग उन बच्चों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्लस पे पढ़ रहे हैं। साथ में आप कुछ स्पेशल क्लासेस अटेंड करके देख सकते हैं, पहले स्पेशल क्लासेस होती हैं, दे आर फ्री क्लासेस ऑफ प्लस, प्लस की फ्री क्लासेस हैं जो कि आपको सैंपल की तरह पढ़ाया जाता है, आपको पता चल जाता है कि प्लस पे पढ़ाई कैसे होती है। जैसे कि क्रैश कोर्स का सैंपल अब मैं शुरू करने वाली हूँ, ट्यूसडे को पहली क्लास है मेरी स्पेशल क्लास, फ्री प्लस क्लास, जिसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का क्रैश कोर्स के रूप में कंप्लीट करूंगी, मतलब 2 लेक्चर के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। तो आप वो लगा सकते हैं, शाम को 7:30 क्लास होगी, 7:15 पे क्लास होगी, आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि प्लस प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, ओके। बाकी जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगी फीस, एक आपको कोड डालना पड़ेगा, उससे आपकी 10% फीस सभी में कम हो जाएगी जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। देखो करना क्या है, मान लो आपने 1 ईयर पे क्लिक किया, किसी पे भी क्लिक करो जो आपको सही लगता है, 30,000 आ रहा है। अभी 30,000 पे करने से पहले ऊपर जाओ, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आएगा, उसमें ये भरना है, ऋतु लाइव, ये नाम लिखना है, ठीक है, कोड है ये
रितु मेरा नाम और लाइव वहाँ पे क्लासेस होती हैं, अप्लाई बटन क्लिक कर देना है। तुम देखोगे उसी समय 10% ऑफ मिलेगा तुमको। 30,000 का एक साल का फीस अभी कितना हो गया? 27,000। 6 months वाला पहले 24 था, अब कितना रह गया? 21,600। 2 साल का पहले 48,000 था, अभी कितना रह गया? 43,200। उसी टाइम 10% ऑफ हो जाएगा। प्लस ये कोड डालने से तुम्हें पीडीएफ मिलता है, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ तुम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस तुम्हें मेरे बैच में आने का मौका मिलता है, आप मेरे क्रैश कोर्स वाले बैच में आएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, आप अपनी मर्जी से चूज़ करना आपको किससे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स के लिए और क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए क्रैश कोर्स चल रहे हैं, आप जहाँ मर्जी पढ़ सकते हो। पूरा 40 टीचर्स का पूरा सारा क्लासेस तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है, ठीक है। मेरा एक क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, मेरा रेगुलर कोर्स भी चल रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन तुम्हें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में। रेगुलर कोर्स में अभी प्लांट किंगडम चल रहा है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितनी मर्जी क्लासेस लगाओ, इट्स लाइक अ बिग बिग जॉइंट वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। चलो, जो बच्चे पढ़ने आए हैं साइक्लोस्टोमेटा, तैयार हो जाओ। चलो, ये क्लासिफिकेशन अपन ने देख ली थी। वर्टिब्रेटा क्या है ये? येल्लो पेन से कैसे लिख सकती हूँ भैया मैं? वर्टिब्रेटा के दो ग्रुप्स देख लिए थे अपन ने, एग्नाथा एंड गनाथोस्टोमेटा, ये पिछली क्लास में किया था ना। तुम्हारे पास जॉ है, अगर जॉ मतलब जबड़ा, जबड़ा में टीथ सजा होता है सुंदर सुंदर ऐसे, है ना। यदि तुम्हारे पास जॉ है, जबड़ा है, तो तुम गनाथोस्टोमेटा में आते हो। यदि तुम्हारे पास जॉ नहीं है तो तुम एगनाथा में आते हो। ए का मतलब होता है विदाउट, गनाथा का मतलब होता है जॉ, बिना जॉ के कैसा लगेगा इंसान। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास टीथ नहीं है, दे हैव टीथ, दे जस्ट डोंट हैव जॉज टू कीप देयर टीथ। तो उनका टीथ पूरे मुंह में फैला हुआ है। तुम्हें फोटो दिखाऊं कैसा दिखता है बिना जॉ के? ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म का मुंह है, इस ऑर्गेनिज्म को लैम्प्रे कहते हैं, ठीक है, लैम्प्रे या पेट्रोमाइजॉन। ये इसका फ्रंट, ये फ्रंट पोर्शन से फोटो खींची हुई है माउथ के। ये देखो, ये इसके टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ना, येलो वाले। कहीं जॉ दिख रहा है तुमको? कहीं अपर जॉ लोअर जॉ दिख रहा है? नहीं, पूरे मुंह में दांत। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, हर जगह है दांत। ऐसे होता है एग्नेथा। तो एग्नेथा में एक ही क्लास लिविंग है जो हमें आज पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा। ये तुम्हें साइक्लोस्टोमेटा का मतलब यहां से समझ में आ ही रहा होगा। साइक्लो मतलब राउंड, स्टोमेटा मतलब माउथ। आज तुम्हें एक ही क्लास पढ़नी है डिटेल में, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, राउंड माउथ वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस वो इसमें आते हैं। अब देखो, ये वर्टिब्रेटा के अंदर आ रहे हैं क्या? ये वर्टिब्रेटा के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम तो इनके पास है। तो ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनका नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम से। ये आई होप तुमने पिछली क्लास लगा ली है, यदि नहीं लगाई है तो बेटा आज देख लेना, अच्छी क्लास है, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है क्योंकि ये वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। अब आओ इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसको एनसीईआरटी समझेंगे। देखो, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में पहली साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, पैरासाइट मतलब किसी और की बॉडी से न्यूट्रिशन लेने वाले। तो बोलो, हम पैरासाइट क्यों नहीं है? हम भी तो प्लांट्स को खा के न्यूट्रिशन लेते हैं, या एनिमल को खा के न्यूट्रिशन लेते हैं। हम पैरासाइट नहीं है, इस न्यूट्रिशन को पैरासाइट नहीं बोलते, इस न्यूट्रिशन को हॉलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर तुम किसी को पकड़ के खा जाओ तो ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरासाइट वो होता है जिंदा ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे हो आप, या तो आप बॉडी के बाहर चिपक के न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसको बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे जू होती है, सिर में रहती है और बाहर चिपकी रहती है और न्यूट्रिशन लेती रहती है। एक होता है एंडो पैरासाइट, बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन लेती है। वो तो हमने नॉन कॉर्डेटा में बहुत पढ़े हैं, कौन कौन सा? अस्कैरिस तुम्हारा प्यारा, प्लैटीहेलमिंथीज में टेप वॉर्म, ठीक है। सो वो होते एंडो पैरासाइट्स। अब ये सारी की सारी दे आर एक्टो पैरासाइट्स, मतलब बाहर चिपकती हैं ऑर्गेनिजम्स के, ऑन सम फिशेस, ये कुछ फिश के ऊपर चिपकती हैं, ये खुद फिश नहीं है, ठीक है। सारी ट्रू फिश पाइसिस के अंदर आती है, सारी ट्रू फिश पाइसिस के अंदर आती है।
ठीक है, यहाँ कोई ट्रू फिश नहीं है, लेकिन इनको फिर भी बोल देते हैं राउंड माउथ फिशेस बोल देते हैं, और इस तरीके से, बट दे आर नॉट एक्चुअली फिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जॉलेस फिश भी बोल देते हैं इनको, क्योंकि जॉ नहीं है ना इनके पास, जॉलेस फिश बोल देते हैं। तो क्या ये बात सही है? बोल देते हैं, पर एक्चुअली में वो फिश नहीं है। सारी फिश यहाँ पे आती है पाइसेस में। ओके चल, सो दे आर ऑल एक्टो पैरासाइट्स ऑन सम फिश। अब तुम लोगों को लगता हो कैसी दिखती हैं, तो ऐसी दिखती हैं। यू सी अ फिश हियर, राइट? यू सी अ फिश, दिस इज अ फिश दैट यू आर सीइंग, दिस इज अ फिश दैट यू सी, राइट? अब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि साइक्लोस्टोमेटा कहाँ पे है। ये ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये साइक्लोस्टोमेटा चिपकी हुई है इनके ऊपर, लैम्प्रे चिपकी हुई है इसके ऊपर, इसने अपने दांत गड़ाए हुए हैं इसके अंदर, और ये यहाँ से खून सक कर रही है। एक और देखो, ये देख रहे हो, ये लैम्प्रे है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से अपने सकिंग माउथ से यहाँ पे चिपकी हुई है, इसने अपने दांत गड़ा लिए हैं इसके अंदर। सो इस तरीके से ये फिश के ऊपर चिपक जाती हैं और पैरासाइट होती हैं। अब इनके बारे में कुछ जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं, आओ देखो। पहली बात तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे फोटो बनाई हुई है इसकी, ऐसे लंबी सी कुछ ऐसे फोटो बनाई हुई है ना, लैम्प्रे की अजीब सी कुछ ऐसे ऐसे फोटो बनाई हुई है, एंड देन ऐसे ऐसे कुछ 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 बनाया हुआ है ना, ऐसे ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इलोंगेटेड बॉडी है, ऑफकोर्स दिख रहा है तुमको, इलोंगेटेड बॉडी है यार। देखो, जिसको भी तैरना है तो उसका बॉडी ऐसा शेप में तो रहेगा कि ईजिली तैर सके। अब देखो, फिश से इनके पास बड़े सारे डिफरेंस हैं। इनकी बॉडी में ना स्केल्स नहीं होते। अब तुम कहोगे स्केल्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, इधर आओ। ट्रू फिश की बॉडी पे क्या तुम ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो, कि अगर तुमने कभी फिश देखी है तो यू सी समथिंग लाइक दिस, राइट? और अ डिफरेंट कलर माइट हेल्प, समथिंग लाइक दिस, राइट? पूरी बॉडी फिश की ऐसे चमक रही होती है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स से, इनको स्केल्स कहते हैं। ट्रू फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते। तो पहला फंक्शन ये लिख रही हूँ, इलोंगेटेड बॉडी नो स्केल्स। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया ट्रू फिश से। देन जो ट्रू फिश होती है ना, मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रू फिश बना के दिखा रही हूँ, ये है तुम्हारी ट्रू फिश पाइसिस की मेंबर। ऑफ कोर्स उनके इतने बड़े लिप्स नहीं होते, बट आई लाइक मेकिंग फिश लाइक दिस। ये एक ट्रू फिश है। अब इसे डिफरेंस देख लेते हैं। फिश के पास ना फिन्स होते हैं, है ना? तो जैसे उसके यहाँ पे एक फिन होता है, तुमने अगर नोटिस किया हो फिश में, यहाँ फिन होता है ना, सिमिलरली एक उस साइड भी फिन होता है। सो इस फिन को बोलते हैं पेक्टोरल फिन। यहाँ पे पेक्टोरल फिन ऐसे, तो यहाँ पे भी होता है। फिश के पास पेयर्ड फिन्स दिखते हैं आपको। पेयर्ड फिन मतलब एक इधर है तो एक इधर है, पेयर्ड फिन दिखते हैं। और फिश के पास कुछ अनपेयर्ड फिन भी दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो डॉर्सल फिन होता है अनपेयर्ड, यहाँ पे कुछ एक और पेल्विक फिन या एनल फिन होता है, ये भी अनपेयर्ड। सो फिश के पास कुछ फिन्स पेयर्ड होते हैं ट्रू फिश के पास, और कुछ फिन्स अनपेयर्ड होते हैं। इसके पास सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं, कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं होता है। मतलब या ओनली अनपेयर्ड फिन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली अनपेयर्ड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। एक ये डिफरेंस आ गया, जो ट्रू फिश है उसके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके पास सिर्फ अनपेयर्ड होते हैं। एक ये डिफरेंस समझ में आ गया अपने को। एक और बात सुनो, देखो फिश जो है ऑक्सीजन कैसे लेती है, या ज़्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? देखो ऐसे लेते हैं, ये है पानी, राइट? कोई भी नॉर्मल फिश है, पाइसिस का मेंबर बना रही हूं मैं, ठीक है? साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर नहीं, पाइसिस का बना रही हूं मैं। ये पाइसिस का मेंबर है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सांस कैसे लेती है? पानी में कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है यहां पे, भाई लोग याद रखना, H2O में से तोड़ के ऑक्सीजन नहीं लेती हैं फिश। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि वाटर में, वाटर H2O होता है तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन ले लेते हैं। नहीं, H2 के अंदर कुछ बबल्स होते हैं पानी के, ऑक्सीजन के, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेती है। तो ये कैसे निकालती है उसमें से डिजॉल्व ऑक्सीजन? ये पानी मुँह में भरती है, ठीक है?
पानी मुंह में भरती है, और यहाँ पे ना इसके एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको गिल कहते हैं, अंदर की साइड, अंदर बॉडी के अंदर, दीज आर कॉल्ड गिल्स. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी गिल्स, व्हाई? बिकॉज ये बॉडी के अंदर होते हैं. सो अगर ये बॉडी ये ऐसे है तो तुम्हें गिल्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि गिल्स तो अंदर है, बॉडी के अंदर है ऐसे. ठीक है, तो ये गिल्स के ऊपर से पानी पास करती है, तो गिल्स में बहुत सारा ब्लड सप्लाई रहता है, तो गिल्स जो है वो पानी से ऑक्सीजन छीन लेते हैं, ठीक है, और अपने ब्लड में डाल देते हैं. तो अब जो इतना पानी पिया है, ऑक्सीजन ले लिया गिल्स ने, तो वो पानी कहाँ जाएगा? अब उस पानी को बॉडी से बाहर निकालना होगा. तो एक्चुअली यहाँ पे देर आर सम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्सलेट्स. यहाँ पे कुछ गिल्सलेट्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, और जो पानी यहाँ से एंटर किया होता है ना, जो पानी यहाँ से एंटर किया होता है, अब ये यहाँ से बाहर आ जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है इंसलेट्स से. तो बेसिकली पानी बाहर निकालने के लिए गिल्सलेट्स होती हैं. तो जिसके भी पास गिल्स होंगे उसके पास गिल्सलेट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो गिल्सलेट्स इसमें बहुत सारी होती हैं. फिश, नॉर्मल फिश के पास तो होती हैं गिल्सलेट्स, इसके पास भी गिल्सलेट्स हैं क्योंकि इसके पास गिल्स हैं. ठीक है, अब इसकी गिल्सलेट्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी गिल्सलेट्स होती है पूरी बॉडी पे, डॉट 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 डॉट, ऐसे गिल्सलेट्स बहुत ज़्यादा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे गिल्सलेट्स होती हैं इसकी, और वैसे ही उस साइड गिल्सलेट्स होती हैं. तो मैं ये लिख रही हूँ 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स. समझ में आ गया? कुछ बात समझ में नहीं आए तो बोलो. हाँ भाई बच्चों, कैसे हो, कहाँ हो? नोट करेंगे. बायोमोलिक्यूल्स तो अभी स्टार्ट नहीं कर रही सौरभ बेटा. और भाई बच्चों, आ गए तुम पढ़ने लिखने? ऑपरकुलम अभी बनाऊंगी. इसमें ऑपरकुलम नहीं होगा, इसमें कोई ऑपरकुलम नहीं है विजार्ड बेटा, इसमें ऑपरकुलम नहीं है. अभी ट्रू फिश में ऑपरकुलम पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई ऑपरकुलम नहीं है. ठीक है, चलो आगे बात कर रहे हो, आगे बात कर रहे हो. सुनो, तो एक तो अपने को इसके गिल्सलेट्स का नंबर याद रखना है. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये याद रखना है. ठीक है, तो जितनी मैंने बातें बताई एनसीईआरटी में पढ़ लें अभी वाली बातें, ताकि तुम्हें लगती रहे कि हमें सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे. चलो, अच्छा इलोंग, अच्छा सम फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, ये मैंने बता दिया. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, ऑब्वियसली दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्सलेट्स. ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है. तो मेरे प्यारे यूट्यूब वासियों, अगर तुम नीट क्रैक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से लिख के, जब मैं पढ़ाती हूँ तो अंडरलाइन कर लिया करो, एनसीईआरटी लेके बैठा करो. फॉर रेस्पिरेशन, गिल्सलेट्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्चुअली तो गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए, गिल्सलेट्स तो सिर्फ पानी बाहर निकालने के लिए. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. ये तुमने देख लिया, राउंड माउथ होता है बिना जॉज के होता है, और सकिंग होता है, सकिंग मतलब सक्शन प्रेशर से चिपक जाता है. जैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती दीवार पे चिपक जाती है सक्शन प्रेशर से, वैसे इनका माउथ सकिंग होता है, ऐसे चिपक जाता है. ठीक है, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है. इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, एंड पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, सारे के सारे अनपेयर्ड फिन्स होते हैं. देखो ये फोटो बनाई हुई है, ये एक अनपेयर्ड फिन हो गया, ये एक और अनपेयर्ड फिन हो गया. पेयर्ड होता तो कैसा होता, एक यहाँ पे भी होता. पेयर्ड का मतलब होता है जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे. अब ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, तो अनपेयर्ड फिन है. ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, ये जरा लर्न कर लो. सभी वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम है. वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है, बैकबोन. सभी वर्टिब्रेट्स के पास क्रेनियम है. क्रेनियम क्या होता है, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो छुपा होता है, लेकिन वो बोन का बना हुआ है वो जरूरी नहीं है. देखो पीछे क्लासिफिकेशन पे आओ, बोन अभी तक आई ही नहीं है, इसमें कोई बोन नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा में कोई बोन नहीं है, सब कार्टिलेज का बना हुआ है. इनफैक्ट यहाँ पे भी पाइसिस का एक ग्रुप, एक क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, कोई बोन नहीं है, सब कार्टिलेज का बना हुआ, इसका नाम ही कॉन्ड्रिक्थीज है. कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज वाली फिश. बोन आनी शुरू हुई है यहाँ से, ऑस्टिक्थीज से, इसके पास बोन है. ठीक है, इन सबके पास बोन है. तो अभी तुम प्रिमिटिव उस पर चल रहे हो, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स पे चल रहे हो, अभी बोन उम्मीद मत करना, और ना ही कॉन्ड्रिक्थीज में उम्मीद करना.
ठीक है. सो दे हैव अ क्रेनियम, साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रही हूँ, दे हैव अ क्रेनियम, दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम बट मेड अप ऑफ कार्टिलेज. ये याद कर लो, भूलना नहीं ये वाली बात. चलो, सो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कैन यू रिमेंबर दिस? ओके. सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप. अब मेरे प्यारे बच्चों, सभी वर्टिब्रेट्स के पास क्लोज सर्कुलेशन होती है. इनफैक्ट सभी कॉर्डेट्स के पास क्लोज सर्कुलेशन होती है, एक को छोड़ के जो गद्दार कॉर्डेट था, कौन सा पहले बताया था ना, यूरोकॉर्डेटा के पास. यूरोकॉर्डेटा इज द ओनली कॉर्डेटा जिसका कि ओपन सर्कुलेशन है, बाकी सबका क्लोज सर्कुलेशन है. सो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, दिस इज ऑब्वियस. अब ये मुझे तुम्हें समझाना है, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ये क्या है मैं तुम्हें बता रही हूँ. चलो इतना समझ में आ गया, अब आगे बात करते हैं. इतना समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? हाँ हाँ मिताल, नितिश क्या बैठा है बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा? मैम आई एम नॉट एबल टू बाय प्लस. अब क्या करें बेटा आराग्या, देखो अगर 6 महीने का नहीं बाई कर पा रही तो 1 महीने का बाई कर सकती हो तुम, क्योंकि 1 महीने में ही जो मैंने पहले क्लासेस कराई हैं उसका सारा रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा बायोटेक पूरा हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा, बड़े सारे चैप्टर्स मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, वो तुम वहाँ पे पढ़ सकती हो. 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकती हो तो ले लो, ठीक है. 6 बजे, हाँ प्लांट किंगडम, इससे अगला प्लांट किंगडम है सृष्टि अग्रवाल, ठीक है. हाँ ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा कोई कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. आओ अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ आपकी. आओ देखो क्या है, मुझे खाली पेट चाहिए. सुनो ये मरीन एनिमल्स हैं, मरीन एनिमल्स का समझते हो तो मतलब ये सी के अंदर रहते हैं, ये है हमारा सी या ओशन, सी या ओशन ये यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. ये रहा हमारा लैम्प्रे, ये लैम्प्रे हमारी, तो ये अपनी एडल्ट जिंदगी ओशन में बिताती है. अब देखो या इसके ना 2 मेंबर्स हैं, लैम्प्रे और हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा के, पर मैं अभी हैगफिश के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि एक्चुअली हैगफिश ये बिहेवियर नहीं शो करती, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉमन लिखा है साइक्लोस्टोमेटा तो ठीक है, बट हैगफिश एक्चुअली ये बिहेवियर शो नहीं करती, लैम्प्रे ही शो करती है. तो ये क्या करती है देखो, दिस इज एन एडल्ट लैम्प्रे, जब इसको बच्चे पैदा करने का मन करता है तो ये कहती कि ओ मैं समुद्र में बच्चे पैदा नहीं करूंगी चाहे कुछ भी कर लो. तो फिर हम पूछते भैया तू कहाँ बच्चे पैदा करना चाहती है, ये कहती मैं रिवर के पानी में जाके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर देर इज लेस सॉल्ट कंसेंट्रेशन. सो वी से ओके इट्स योर विश. सो यहाँ पे रिवर है, दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर. सो व्हाट लैम्प्रे डज, जब लैम्प्रे का बच्चे पैदा करने का समय आ जाता है, लैम्प्रे यहाँ से मूव कर जाती है रिवर के पास, ठीक है, रिवर के माउथ पे यहाँ पे मूव कर जाती है, ठीक है. अब फीमेल लैम्प्रे तो थोड़ा बाद में आती है, मेल लैम्प्रे पहले ही पहुंचे होते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो मेल लैम्प्रे को पता होता है कि फीमेल ने तो आना ही है. तो मेल लैम्प्रे अपन बना लेते हैं पर्पल में. मेल लैम्प्रे क्या करते हैं, रिवर के बेड पे नीचे यहाँ पे पत्थरों से बना हुआ एक घोंसला सा बना लेते हैं ऐसे, दिस इज द नेस्ट, और ये मेल लैम्प्रे वेट कर रहा होता है यहाँ पे, दिस इज द मेल लैम्प्रे पर्पल वाला, ठीक है. अब फीमेल लैम्प्रे को अगर मेल लैम्प्रे का घोंसला पसंद आता है तो ये जाके यहाँ पे इससे मेटिंग करने आ जाती है. सो ये फीमेल लैम्प्रे, तो ये मेट करते हैं. अब मेट करके बहुत सारे एग्स ले करते हैं. अब येलो कलर के इसके एग्स हैं, नेस्ट के अंदर एग्स हैं ये, ठीक है, ये येलो वाले, दीज आर दी एग्स, ठीक है. अब ये एग जो है वो हैच हो जाते हैं, तो इसमें से लार्वा निकलेगा, तो यहाँ से बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भोला सा नटखट सा लार्वा निकलता है, ये लार्वा है. सो दीज आर दी लार्वा. अब लार्वा आराम से यहाँ पे 2-3 साल रहता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से भाग जाएगा कि मुझे जाना है, नहीं आराम से रहेगा, कोई चिंता नहीं, यहीं पे रहेगा. फिर जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब ये एडल्ट बन जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा आराम से,
उससे पहले ये यहीं रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि एडल्ट लैम्प्रे जहाँ रहती है, एडल्ट लैम्प्रे और हैग फिश दोनों ही ओशन वासी है, मरीन एनिमल्स हैं ये, ठीक है। अब ये जाती है रिवर में बच्चे पैदा करने, इसे बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब इस माइग्रेशन का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब इसको लर्न कैसे करना है मैं बता दूंगी। दिस इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ जाना इज कॉल्ड एना ड्रोमस माइग्रेशन। अब तुम कहोगे कि मैम लार्वा तो इधर से इधर आ रहा है तो इसको क्यों नहीं माइग्रेशन कहते। बेटा लार्वा कहीं से आए, लार्वा की कोई औकात नहीं है, लार्वा नहीं सोचना हमने, हमने एडल्ट के बारे में सोचना है। एडल्ट कहाँ पे मूव कर रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, वो माइग्रेशन है। सो एडल्ट सी वाटर से फ्रेश वाटर में मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मरीन इन्वायरमेंट टू फ्रेश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। कहाँ लिखूँ, जगह ही खत्म हो गई, फॉर रिप्रोडक्शन, समझ जाओ अब। समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या लिखा है, वैसे आ तो रहा है, इतना बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, समझ तो आ नहीं है। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, ओके नाउ बेटर, नाउ बेटर, ठीक है। अब देखो इससे उल्टी भी एक माइग्रेशन होती है, देर आर सर्टन फिश हु गो फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन। कुछ ऐसे फिश भी होती है जो यहाँ से आते हैं, लैम्प्रे नहीं, कोई और फिश जो फ्रेश वाटर से मरीन आती है, उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। उसको याद करने का मैंने बहुत ईजी तरीका निकाला हुआ है, देखो मैं ऐसे याद करती हूँ। यहाँ पे ह्यूमंस की बस्तियाँ होती हैं क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन दी रिवर्स, ज़्यादातर जो पुरानी सिविलाइजेशंस होती थी वो रिवर्स पे बसी होती थी, और ह्यूमन सिविलाइजेशंस में कौन रहती है, कैट्स, है ना, कैट्स हमारे पास ही रहती है, ये लो कैट बना दी मैंने। तो अगर कैट को माइग्रेशन करनी है तो कैट क्या करेगी, कैट रिवर में जंप करेगी और यहाँ से फिर यहाँ पे माइग्रेट करेगी। सो जो फ्रेश वाटर से मरीन है उसको कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे, और जो उससे उल्टी है, मरीन से फ्रेश वाटर है, उसको एनाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। इज इट क्लियर, आगे चलो बेटा। वाटर प्लैंकटन्स, आदित्य सिन्हा कहाँ से क्वेश्चन आया है। प्लैंकटन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के बहाव के साथ बहते हैं, जू प्लैंकटन्स, फाइटो प्लैंकटन्स, जैसे एल्गी होता है, जैसे प्रोटिस्टा के बड़े सारे मेंबर्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, ठीक है। आओ पढ़े, पूरा खत्म कर लेते हैं इसको, आओ देखो। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, साइक्लोस्टोमेटा मरीन होते हैं, बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब क्या है, बच्चे पैदा करना। स्पॉनिंग इज अ टर्म विच इज जनरली यूज फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पे फीमेल एग रिलीज करती है, फिर मेल एग रिलीज करता है और वो एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो जाते हैं, ओके, टू फ्रेश वाटर। सो दे विल मूव टू फ्रेश वाटर, ये वाली बात समझ में आ रही है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, ये बताना भूल गई मैं तुम लोगों को, पेट्रोमाइजन जाती है ऊपर कि मैं तो बच्चे पैदा करने जा रही हूँ, बड़ी खुश होकर जाती है, वहाँ पे जैसे वो एग्स ले करती है मर जाती है, फिर उनकी डेड बॉडी समुद्र में आती है, ठीक है, खा ली जाती होंगी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स द्वारा, बट दे डाई। अब तुम्हें लगता होगा कि मैम वो जाती क्यों है ना, क्यों नहीं वो अपने समुद्र में रह लेती, बेटा इट इज़ और हॉर्मोनल, ठीक है। हम लोगों को भी तो पता होता है शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी हम लोग शादी करते हैं, बट इट इज़ नथिंग कम्पेयर टू दैट, बट दे डाई, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट्स गिवन इन एनसीईआरटी। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब एडल्ट में ट्रांसफर होना, चेंज होना, रिटर्न टू द ओशियन, लार्वा ओशन में वापस आ जाता है। पेट्रोमाइजोन, इसके बारे में तुम जानते हो, इसकी शक्ल देख लो, ये पहचानने को आ सकती है नीट में, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड मिग्जीन, हैग फिश, हैग फिश
बहुत 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 बदसूरत क्रिएचर होती है। इट्स हैग का मतलब होता है ओल्ड अगली वुमन को हैग बोलते हैं, तो तुम समझ जाओ ये कैसे सी होती है। सो इट्स ओल्ड अगली वुमन जैसी होती है वो। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, हैग फिश में कोई माइग्रेशन नहीं होती, हैग फिश समुद्र में ही रहती है और समुद्र में ही बच्चे पैदा करती है। पेट्रोमाइजोन में होती है जो बेसिकली होती है, माइग्रेशन होती है। ओके, देर वॉज सपोज टू बी अ फोटोग्राफ ऑफ हैग फिश। ओके, हियर इट इज। दीज गंदी गंदी क्रिएचर्स, दीज क्रिएचर्स, यू सी दे आर हैग फिश, हैग फिश। एंड यू सी वट इज ऑल दैट स्लाइम इनकी ना पूरी बॉडी पे। जैसे ये हैग फिश है, मान लो दिस इज अ हैग फिश, इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे से करके स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, और ये ना बहुत सारा स्लाइम रिलीज करते हैं। स्लाइम एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, बहुत सारा स्लाइम बॉडी से रिलीज करती हैं। और ये देखो, ये अपने ही स्लाइम में खेल रही हैं, यहाँ पे गंद मचा रही हैं, ठीक है। सो स्लाइम ईल्स भी बोल देते हैं इनको कभी कभी। ओके, एंड व्हाई डू दे रिलीज सो मच स्लाइम? देखो, मान लो इनको किसी शार्क ने पकड़ लिया, दांतों में जबड़े में दबा दिया, तो ये बहुत सारा स्लाइम रिलीज कर देती हैं उसके मुंह में, शार्क के गले में अड़ जाता है, शार्क करती है जब तक वो ऐसे करती हैं तब तक वो ये भाग जाती हैं। सो इट इज़ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। और भी बहुत यूज करती हैं अपने स्लाइम का, बट दिस इज वन एग्जाम्पल। ओके ओके ओके, सो साइक्लोस्टोमेटा खत्म कर लिया अपने। पाइसिस अगली क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं करा दूंगी तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा, मुझे लगता नहीं, तो फिर पाइसिस बीच में रह जाएगा। सो एक साथ ही अपन कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज और पूरा पाइसिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि है कल तुम्हारी। सो आई नॉट सी यू टुमारो, आई सी यू एट 5:30। आज 5:30 बजे तुम्हारी क्लास रख रही हूँ मैं, अबाउट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एवोल्यूशन में से आ सकते हैं। एवोल्यूशन चैप्टर तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, मुझे पता है, हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मुश्किल लगता है, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए। दोबारा से तुम लोगों को रिवीजन क्लास बनाऊंगी एवोल्यूशन में, तुम लोगों को माहिर बनाऊंगी एवोल्यूशन में। पर आज 5:30 बजे सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुमको 15 एवोल्यूशन के क्वेश्चन कराना चाहती हूँ। तो इट्स लाइक अ क्विज, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि कैसे आंसर आया, बट यू कैन जज योर प्रिपरेशन बाय दैट। सो 5:30 बजे तुम लोगों को मिलती हूँ मैं। अगर तुम लोग पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो बेटा, और अब तो बाय गॉड तुम लोगों को पढ़ना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, 5 महीने रह गए हैं, 5 महीने में भी कुछ दिन जा चुके हैं। सो अभी पढ़ने का मन कर रहा है। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अभी करूँ तो हो सकता है कि, मैम बताओ अभी करूँ तो। पता क्या बेटा, ज़्यादातर बच्चों के साथ ये सीन होता है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ऐसे ही करते रहते हैं, अभी करूँ तो, अभी करूँ तो, और वो अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो करना शुरू करेगा ना दिसंबर में, उसका भी क्लियर हो सकता है नीट। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स, एंड आई हैव सीन पीपल क्लियर देयर नीट एग्जाम जो कि अभी से शुरू कर रहे हैं। सो ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैम अभी करूँ तो, क्योंकि मैं अभी बता देती हूँ हो जाएगा। मेहनत करो जितना मैं कह रही हूँ, मेहनत करो और हो जाएगा, ठीक है। सो अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरे साथ क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर प्लस ज्वाइन करो, और कोड ज़रूर डाल देना ऋतु लाइव, ताकि तुम्हें 10% तुम्हारी फीस में ऑफ मिल जाए, तुम्हें मेरे बैच में आने का मौका मिल जाए, और साथ में तुम्हें मेरे नोट्स मिल जाएं, तुम्हारी जिंदगियां थोड़ी आसान हो जाएं। सो आई विल सी यू एट 5:30। थैंक यू सो मच, बाय बाय। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? यशिका आई लव यू टू बेबी। नेक्स्ट क्लास 5:30 बजे बेटा, 5:30 बजे। ओके चलो, इनकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी पे फर्क। सृष्टि अग्रवाल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सृष्टि अग्रवाल पूछ रही है कि मैम ये जब इस पे जा रहे हैं, जब ये फ्रेश वाटर में जा रहे हैं, तो इनकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अगर वो मरीन इन्वायरमेंट से फ्रेश वाटर पे जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो मुझे लगता है, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल रिवर के ऊपर नहीं जाती हैं, ये ब्रैकिश वाटर में रहती हैं, मतलब जहाँ पे रिवर और सी मिल रहा होता है वहाँ पे आसपास, तो इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। और दूसरी बात, हो सकता है ये वो हो, यूरी हेलाइन हो, जो थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन झेल पाती है। और तीसरी बात, ये मर जाती है, सो इतना भी अच्छा झेल पाती तो शायद ना मरती। ओके सो ओके, आई विल सी यू, बाय बाय, थैंक यू।